आखिरी दिन आपने क्या किया सर? डुअल डेकर सीपीयू को रिवॉल्व किया और रिवॉल्व किया और क्लीनिंग प्रोसेस की, और आपने 4G हैंडसेट में भी काम किया, लाइव सीपीयू लगाया। यहाँ मेरे साथ एक स्टूडेंट है, आपका नाम बताइए। सौंदर्य ओडिशा से। सौंदर्य उड़ीसा से, उड़ीसा से सौंदर्य, इतनी दूर आप जबलपुर आए, आपने एसे टेलीकॉम को सेलेक्ट किया और आपने सोचा कि ये मुझे चिप लेवल पे काम सिखाएंगे, तो इसका क्या रीज़न है, क्या इतनी वजह गई कि आपने हमको ही सेलेक्ट किया? मतलब मुझे बताइए। मैं आपका वीडियो तो हर रोज देखता हूँ यूट्यूब पर। आप मतलब फॉलोअर हैं हमारे? हाँ सर। तो आप बहुत सारे वीडियो भी देखते होंगे ना, ऐसा नहीं है, फॉलोअर तो आप बहुत हो के होंगे, तो आप में सब में हमने क्यों मतलब हमको क्यों सेलेक्ट किया आपने? आपका जो वीडियो ना फुल डिटेल्स में दी, जी जी बता दें। अच्छा, इसलिए बहुत समझ में आ जाते हैं मेरे। कहीं और पूछताछ की आपने कि एसर टेलीकॉम के बारे में किसी? नहीं से सर, नहीं, नहीं सर, की नहीं सर। उसके बाद आप डायरेक्ट आ गए? पहले जब आप यहाँ आए थे कौन सी डेट को आए थे? 24 तारीख को। और आज 24 तारीख हो गई है, मतलब लगभग एक मंथ हो गया है। मुझे बताइए कि जब आप यहाँ ट्रेन से उतरे थे, आपने हॉस्टल आए थे, तब आपके दिमाग में क्या चल रहा था? डर लग रहा था यहाँ पर? डर लग रहा था सर। क्या लग रहा था बताइए खुल के, कि सीख पाएंगे कि कर पाऊंगा नहीं पाऊंगा, ये वाला डर था मेरे कि मैं कर पाऊंगा। पता चला ये लोग तो खैर एक्सपर्ट हैं, ये तो अपना आईसी वाईसी निकाल लगा के चले जाएंगे, सेट चालू कर देंगे, पर मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा? तो टीचरों लोग का क्या है, वो तो डेली का उनका यही काम है। आपका तो पढ़ाई बहुत अच्छा है ना? यस सर। बट स्टूडेंट का देखो, एक टीचर, एक बंदा एक इस रिपेयरिंग की फील्ड में अगर एक आईसी को निकाल के लगा रहा है तो वो टीचर नहीं है, तो वो एक टेक्नीशियन है। एक टीचर कौन होता है जो डिलीवर कर सके, जो अपनी स्किल को दूसरे में डाल सके, वो टीचर होता है ना? यस सर। तो कैसा लगा थ्रू आउट एक्सपीरियंस हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एमएमसी का? सर सबसे अच्छा लगा, आज जितने भी टीचर्स हैं उनका पढ़ाई भी सबसे मस्त है। यहाँ पर टाइमिंग की बात करूँ, डिसिप्लिन की बात करूँ, यहाँ कंसेप्ट की बात करूँ, किस तरीके से हम पढ़ाते हैं, वो कैसा रहा थोड़ा डिटेल में बताइए यहाँ पर। मतलब डिसिप्लिन सही है हमारा? यस सर, बहुत अच्छा है। आप सभी लोगों ने बहुत अच्छे से फॉलो किया है डिसिप्लिन, और एक टीचर को भी बहुत अच्छा लगता है कि स्टूडेंट उनके कहे अनुसार चल रहे हैं, और उसी का एक नतीजा है कि आप आखिरी दिन सर्टिफिकेट के साथ में एक खुश मन से जा रहे हैं, है ना? आखिरी दिन आपने क्या किया सर? डुअल डेकर सीपीयू को रिवॉल्व किया और क्लीनिंग प्रोसेस की, और आपने 4G हैंडसेट में भी काम किया, लाइव सीपीयू लगाया। यहाँ पे ऐसा तो कोई नहीं है जिन्होंने 4G हैंडसेट पे लाइव सीपीयू ना लगाया? नहीं नहीं, सब कर। और सबने डुअल डेकर सीपीयू भी किया, नैंड प्रोग्रामिंग करवाई हमने आपको? हाँ, कल तो सीखे ने। हाँ, नैंड प्रोग्रामिंग भी हमने इनको सिखाई है, किस तरह से नैंड को अपग्रेड करें, और ये एक फ्री कॉन्टेंट था जो हमने बोला वो हमने दिया। तो आप क्या करने वाले हैं यहाँ से, प्लानिंग क्या है आपकी? पहले जाऊंगा अपना घर में सेटअप लगा के, घर पे सेटअप लगा के थोड़ा काम करेंगे। हाँ सर। और जो हमने सिखाया है उसको आप दोहराएंगे, मतलब अपने दिमाग में डालेंगे, ताकि आपके पास ऐसा ना हो कि कोई दुकानदार से आप आ गए और कोई मोबाइल आ गया और सोल्यूशन मांग रहे हैं आप उसका, और जबकि वो सोल्यूशन आपकी कॉपी में लिखा हुआ है, तो आपको अपनी कॉपी को 50 बार पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए वही चीज़ को आपको 50 बार मोबाइल में ट्रेस करना पड़ेगा, जरूरी है, है ना? ठीक है, थैंक यू वेरी मच, और एसर टेलीकॉम की टीम आपके साथ हमेशा सपोर्ट में रहेगी, ऑल द बेस्ट। देखिए 4G सीपीयू से लेके आपने लास्ट डे क्या करके गए बताइए? डबल डेकर किया आपने, तो बैकअप के स्टूडेंट भी आपके साथ में आए थे, तो कि नहीं तो आपको ये देखकर और अच्छा लगा होगा कि एक इंस्टीट्यूट बैकअप को भी सपोर्ट दे रहा है ना, मतलब पुराने स्टूडेंट को भी बुला रहा है, सपोर्ट दे रहा है। लास्ट डे क्या करके गए आप? लास्ट डे हम लोगों ने डबल डेकर सीपीयू को मतलब जो है निकाले, और उसके बाद रिवॉल्व भी किया, उसको लगाए भी, पूरा पूरा। लास्ट डेट आपने क्या किया सर? डुअल डेकर सीपीयू आपने रिबोलिंग किया, निकाला, क्लीन किया, वो मैटर समझ में आई आपको? बिल्कुल सर। सीपीयू भी किया, लास्ट डे क्या करके गए? लास्ट डबल डेकर किया है। डबल से लास्ट डे क्या करके गए सर? डबल डेकर किया लास्ट में। डुअल डेकर किया ना आपने, लास्ट डे क्या किया? डबल डेकर सीपीयू करके गए। चाहता हूं आखिरी दिन आपने क्या किया सर? डबल डेकर सीपीयू। और इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट कौन है?